अभिषेक दुबे और आप देख रहे हैं क्वांटम डीबी आईटी सॉल्यूशंस। आइए आज हम सीखेंगे एचटीएमएल के कुछ इंटरेस्टिंग टैग्स। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टैग है लिस्ट टैग, ओएल एंड यूएल। ओएल बोले तो ऑर्डर्ड लिस्ट, यूएल बोले तो अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओएल और यूएल होता क्या है? यूएल होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ओएल होता है ऑर्डर्ड लिस्ट। तो चलिए आपको मैं इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं एग्जाम्पल के साथ। ये मैंने मेरी फाइल खोली, यहाँ से मैं यहाँ तक का सब कुछ हटा देता हूँ। ये मैंने हटा दिया सब कुछ, ठीक है। यूएल टैग काम देखते हैं एग्जाम्पल। सबसे पहले मैं लगाऊंगा यहाँ पे ये यूएल टैग, लगा दिया। यूएल टैग के अंदर सब कुछ हमेशा एल आई टैग में आता है। यूएल के अंदर हम लगाएंगे एक एल आई टैग, मैंने लगाया एल आई टैग। इसमें मैंने लिख दिया ऐसे जी ए आर सागर, और ये मैंने एल आई टैग बंद कर दिया यहाँ पे। एक और मैं एल आई टैग लगाऊंगा यहाँ पे मैंने लिख दिया ए एन यू आर ए जी अनुराग, ए एन यू आर ए जी अनुराग, और ये मैंने वापस एल आई टैग बंद कर दिया। तो अब होगा क्या? और फिर मैंने यहाँ पे ये यू एल टैग बन गया। तो अब होगा क्या कि ये जो अनुराग और सागर है ये डॉट्स के फॉर्म में आ जाएगा, डॉट वाइज। जैसा कि आप मेरे स्लाइड्स में देखते हैं, एक के बाद एक डॉट आता है और उसके अंदर चीज़ें लिखी हुई जाती हैं, वैसा आएगा। तो इसको सेव करते हैं। सेव करके मैं इस फाइल को रन कराऊंगा, जिसका नाम है सागर, और ये मेरे डेस्कटॉप पर पड़ी हुई है, ये रही सागर। इसको मैं रन कराता हूँ। ये मैंने फाइल रन कराई, रन कराते आप देख सकते हैं सागर और अनुराग आ रहा है। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ आपके लिए, जैसा कि आप देखेंगे इसको बड़ा करूंगा तो मैं, ये देखिए सागर और ये अनुराग, ये डॉट के फॉर्म में आ गया। अब होता क्या है, ये तो हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब अनऑर्डर्ड लिस्ट का हम देखते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स। अनऑर्डर्ड लिस्ट में एट्रीब्यूट होता है एल आई। इसमें कुछ एट्रीब्यूट होते हैं स्क्वायर, डिस्क और साइकिल। भाई स्क्वायर, डिस्क और सर्कल क्या होता है? जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्वायर, डिस्क और सर्कल होता क्या है? कुछ नहीं होता है, केवल स्क्वायर अगर आप करेंगे तो स्क्वायर में आपको मिलेगा ऐसा स्क्वायर, डिस्क में मिलेगा ऐसा और सर्कल में मिलेगा ऐसा। तो चलिए मैं आपको स्क्वायर करके बता देता हूँ एक बार। वापस हम गए हमारी फाइल में, मैंने यहाँ पे लिखा यूएल के बाद टी वाई पी ई टाइप, टाइप इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एस क्यू यू ए आर ई स्क्वायर, और मैंने इस फाइल को सेव करा दिया, ठीक है। और इधर आ गया मैं, फाइल मैंने रन कराई, रन कराई तो अभी आप देखेंगे कि डॉट ही आया, लेकिन जैसे ही मैं इस फाइल को रिफ्रेश करूंगा तो ये देखिए बदल गया दोस्तों, ये स्क्वायर में आ गया। इसी तरह से आप सर्कल भी कर सकते हैं, चलिए वो भी मैं आपको एक बार करके बताता हूँ। सर्कल के क्या करना पड़ेगा, वापस यहाँ पर जाना पड़ेगा, स्क्वायर की जगह हम कर देंगे यहाँ पे सर्कल, सी आई आर सी एल ई सर्कल। सेव कराऊंगा फाइल को और रन कराऊंगा, तो अभी देखिए आप अभी ये कैसा आ रहा है, अभी ये स्क्वायर में आ रहा है। जैसे ही मैं इसको वापस रिफ्रेश कराऊंगा ये देखिए सर्कल में आ गया। तो ये तो हो गया यूएल टैग का काम। अब हम आते हैं हमारे ओएल टैग पे। ओएल टैग इज यूज्ड टू क्रिएट एन ऑर्डर्ड लिस्ट, द लिस्ट कैन बी न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिकल, ठीक है। ओएल टैग क्या होता है? ओएल टैग ऑर्डर्ड लिस्ट होता है। ऑर्डर का मतलब हम कह सकते हैं ए बी सी डी ई, 1 2 3 4 5 6, या रोमन में 1 2 3 4 5 6। ओएल टैग के कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 है, कैपिटल ए है, स्मॉल है, आई, ये आई नहीं ये रोमन का 1 है। चलिए देखते हैं इसको भी यूज करके एक बार। हम आते हैं हमारी फाइल में, यहाँ पे मैं लगाऊंगा ओएल टैग, ये आया, ये मैंने ओएल टैग चालू किया, और सेम यूएल की तरह मैं इसमें दे दूंगा टाइप, टी वाई पी ई टाइप, टाइप माफ कीजिएगा टी वाई पी ई टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पे मैंने दे दिया कैपिटल ए, ठीक है। अब मैं वापस नीचे आऊंगा इसमें और लगाऊंगा एल आई टैग, ये मैंने इसके अंदर एल आई टैग लगाया। इसके अंदर मैं लिखा क्वांटम डी बी आई टी सॉल्यूशंस, और मैंने एल आई टैग बंद कर दिया, ठीक है। इसके बाद मैं वापस नीचे आया, मैंने एक और एल आई टैग चालू किया इसके अंदर, और मैंने यहाँ पे लिखा एच टी एम एल, और फिर मैंने यहाँ पे एल आई टैग बंद कर दिया, और मैंने यहाँ पे ओ एल टैग भी बंद कर दिया। अब होगा क्या, जो क्वांटम डी बी आई टी सॉल्यूशंस है और जो एच टी एम एल है, ये आपको ए बी सी डी में दिखाई देंगे। चलिए मैं इसको सेव करता हूँ, मैं आपको इसको रन करके भी बता देता हूँ एक बार।
ये आया मैं मेरी फाइल पे, अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा ये देखिए क्वांटम डी बी आर टी सोल्यूशन, आप देख सकते हैं कि एम पे आ रहा है, एच टी एम एल भी पे आ रहा है। इसी तरह अगर मैं इसमें एक और जोड़ देता हूँ, चलिए आपको जोड़ कर बताता हूँ, यहाँ पर मैंने एक और एल आई जोड़ा, इसके अंदर मैंने लिख दिया पी एच पी और मैंने ये बंद कर दिया। तो इसको मैं सेव करता हूँ और इसको मैं रन कराऊंगा, देखिएगा अभी पी एच पी भी आ जाएगा, ये देखिए पी एच पी भी अपने आप सी में आ गया। तो ये ऑर्डर वाइज चलता है, हम ए बी सी डी की जगह इसमें 1 2 3 4 भी ले सकते हैं। यहाँ पे बस मुझे चेंज इतना करना होगा कि ए की जगह मैं जाकर डाल दूंगा 1 और सेव कराऊंगा फाइल को और वापस रन कराऊंगा तो, और रिफ्रेश कराऊंगा तो देखिए 1 2 3 आ जाएगा, आ गया 1 2 3। अब आपको चाहिए कि रोमन में चाहिए तो रोमन की जगह आप यहाँ पे 1 की जगह आई टाइप कर दीजिए, रोमन के 1 2 3 में आ जाएगा। ये गया मैं और ये मैंने इसको रन कराया, वापस रन कराऊंगा, इसको रिफ्रेश करूंगा मैं, सॉरी माफ कीजिएगा, इसको मैं रिफ्रेश कराता हूँ तो ये 1 2 3 आ गया। अब आपको स्मॉल है स्मॉल भी स्मॉल सी चाहिए तो हम वो भी कर सकते हैं इसके अंदर, बस इसको यहाँ पे जाके मैं स्मॉल ए लिख दूंगा तो ये स्मॉल ए बी सी डी में आ जाएगा। ये मैंने इसको सेव किया और इसको मैंने रन कराया तो ये देखिए स्मॉल ए बी सी डी में आ गया। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, ए आगे है एंकर टैग। एंकर टैग क्या होता है, ए हाइपर लिंक इज अ और लिंक इज अ वेब ग्रुप ऑफ वर्ड्स और इमेज दैट यू कैन क्लिक ऑन टू जंप टू अ न्यू डॉक्यूमेंट टू अ न्यू सेक्शन विद इन द करंट डॉक्यूमेंट। बोले तो हाइपर लिंक क्या होता है, हाइपर लिंक वो लिंक होता है या वो वर्ड होता है जिस पे क्लिक करके हम किसी और चीज पे जा सकते हैं। लिंक स्पेसिफाइड इन एचटीएमएल यूजिंग ए टैग, ये लिंक ए टैग को बोलते हैं और इसका एट्रीब्यूट होता है एच आर ई एफ, जैसा कि यहाँ पे आप लिखा देख सकते हैं ए एच आर ई एफ इक्वल टू यू आर एल, ए टैग है एच आर ई एफ उसका एट्रीब्यूट है और ये यू आर एल जो है ये उस फाइल का या उस जगह का नाम है जहाँ हम उस टेक्स्ट को क्लिक करने पे जाना चाहते हैं। ये आ गया लिंक टू डिस्प्ले, यहाँ पे हम वो चीज दिखेंगे जो हम वहाँ पे डिस्प्ले करना चाहते हैं जिसके ऊपर यूजर क्लिक करेगा, और ये मैंने ये टैग बंद कर दिया। यहाँ पे लिखा है इन अबव लाइन ए इज अ टैग एंड एच आर ई एफ इट इज इट्स एट्रीब्यूट। चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ इस टैग को, वापस आ जाते हैं फाइल में, ये मैंने यहाँ पे वैसे लिख रखा है पर मैं आपको दोबारा लिख के बता देता हूँ एक बार। ये देखिए मेरे पास एक टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल नाम की फाइल पहले से बनी हुई है, मैं यहाँ पे आऊंगा, लिखा ए एच आर ई एफ एच आर ई एफ इक्वल टू, यहाँ पे मैं डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर डाल दूंगा टी ई एच टी टेक्स्ट डॉट एच टी एम एल, यहाँ पे मैंने इसको बंद किया, यहाँ पे मैंने लिखा टी ई एच टी, बल्कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ गो टू PEST टेस्ट, और यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ ए टैग को, ये मैंने सेव कर दिया। अब मैं रन कराऊंगा इसको, तो मैं जैसे ही इसको रन कराऊंगा तो यहाँ पे अभी आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं है, जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा इस पे आ गया गो टू टेक्स्ट। अब अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो क्या होगा, देखिएगा मैंने इस पे क्लिक किया ये हम दूसरी फाइल पे आ गए, है ना, देखो दोस्तों इंटरेस्टिंग, हमने यहाँ पे क्लिक किया और हम दूसरी फाइल पे आ गए। ठीक है चलिए आगे चलते हैं, आगे चलेंगे हम, अगला आता है हमारे पास बीजी कलर, अगला आता है हमारे पास बॉडी टैग। देखिए सर दोस्तों अब ये बहुत इंटरेस्टिंग है, बॉडी टैग, बॉडी टैग के अंदर जैसा कि आप जानते हैं मैंने बॉडी टैग आपको बताया था, बॉडी टैग क्या होता है, बॉडी टैग के अंदर हम हमारी सारी चीजें रखते हैं, जैसे ये बॉडी टैग है, बॉडी टैग के अंदर हमने हमारी सारी चीजें लिख रखी हैं। ठीक है अब इसके भी कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं वो मैं बताऊंगा आपको, तो चलिए देखते हैं इसके क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं। पहला एट्रीब्यूट होता है बीजी कलर, यानी कि बैकग्राउंड कलर, बीजी का मतलब होता है बैकग्राउंड, दूसरा होता है बैकग्राउंड बीजी कलर। पहले बीजी कलर से क्या होता है, बीजी कलर से ये होता है कि पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज लग जा एक कलर लग जाता है बैकग्राउंड, बैकग्राउंड से क्या होता है पूरे बैकग्राउंड में एक इमेज लग जाती है, टेक्स्ट है वो पूरे वेब पेज के अंदर जो भी टेक्स्ट है वो उस टेक्स्ट के कलर का हो जाएगा जिस कलर का आपने दिया है। ऑडियो, इससे सर हम गाना चला सकते हैं, भाई साहब गाना चला सकते हो आप इससे, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं देखते हैं बीजी कलर क्या होता है, बीजी कलर इज यूज टू अप्लाई बैकग्राउंड कलर, कोई बैकग्राउंड कलर अप्लाई करने के लिए, इसका सिंटेक्स ऐसा होता है कुछ बॉडी बीजी कलर ग्रीन, अगर मैं ये दूंगा तो ये ऐसा आ जाएगा। चलिए मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ, मैं आया मेरी फाइल पे बॉडी के अंदर गया, मैंने लिखा बीजी सी ओ एल ओ आर कलर। दोस्तों हमेशा ध्यान रखिएगा कभी भी कलर की स्पेलिंग अगर आप कोडिंग में लिखते हैं तो सी ओ एल ओ आर होगी, सी ओ एल ओ यू आर नहीं होगी, मैं दोबारा बोलता हूँ सी ओ एल ओ आर होगी, सी ओ एल ओ यू आर नहीं होगी।
बीजी कलर इक्वल्स टू मैं यहाँ देता हूँ ग्रीन, जी आर ई ई एन ग्रीन। सेव कराऊंगा मैं इसको, तो इसको मैं रन कराऊंगा तो देखिएगा इसका पूरा बैकग्राउंड जो है अभी ग्रीन हो जाएगा। ये देखिए हो गया ना ग्रीन, है ना इंटरेस्टिंग। चलिए आगे चलते हैं, अगला देखते हैं, अगला एट्रीब्यूट देखते हैं। अगला एट्रीब्यूट है हमारा बैकग्राउंड। देखिए दोस्तों ये है बैकग्राउंड, टू इंसर्ट अ बैकग्राउंड इमेज इन द वेब पेज। सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा ही, बॉडी के अंदर हम बैकग्राउंड लगाएंगे और एक इमेज का यूआरएल या पाथ दे देंगे। मेरे पास डेस्कटॉप पे b.jpg नाम की फाइल पड़ी हुई है, अगर वो मैं लगाता हूँ तो ये कुछ ऐसा आएगा। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैं यहाँ पे आया, मैंने इसको हटाया तो मैं यहाँ पे देता हूँ बैकग्राउंड backgroundd बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने दिया b.jpg। ध्यान रखिएगा आपको इमेज के साथ साथ उसका जो भी फॉर्मेट है वो देना अनिवार्य है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं और देखता हूँ मैं, इसको मैंने सेव करा दिया है, इसको मैं रन कराता हूँ और इसको मैं रिफ्रेश करूँगा तो देखिए अभी मैंने बड़ा कर रखा है इसलिए आपको पूरी इमेज नहीं दिख रही, अभी मैं इसको छोटा करता हूँ, देखिए पूरी इमेज दिखेगी आपको। अब आप देख सकते हैं कि ये इमेज आ गई है, ठीक है। मैं इसको वापस बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको बाकी चीज़ें देखने में आसानी हो, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चल के आया हमारा टेक्स्ट। टू सी द फॉन्ट, टू सेट द फॉन्ट कलर फॉर द टेक्स्ट ऑफ द एंटायर वेब पेज। पूरे वेब पेज का टेक्स्ट कलर चेंज करने के लिए जैसा मैंने आपको बताया था, और उसका सिंटेक्स होता है यही बॉडी, बॉडी के अंदर टेक्स्ट और टेक्स्ट का कलर हम यहाँ पे दे देंगे। चलिए मैं यूज करके बताता हूँ आपको एक बार दोबारा से। ये आया मैं फाइल के अंदर, बॉडी के अंदर गया, मैंने इमेज हटाई और यहाँ पे मैंने लिख दिया text टेक्स्ट और इक्वल टू मैंने कलर दे दिया ब्लू blue ब्लू, ठीक है। मैंने इसको सेव करा दिया, अब मैं इसको रन कराऊंगा। रन कराने से पहले मैं बता दूंगा आपको, देखिए अभी आपको सब कुछ दिख रहा है ब्लैक कलर में, अब जैसे मैं इसको रिफ्रेश कराऊंगा तो आपको सब कुछ हरे कलर में दिखेगा, केवल इस टेक्स्ट कलर, क्योंकि टेक्स्ट का डिफॉल्ट कलर ही ब्लू होता है, ठीक है। चलिए ये देखिए ये आ गया ब्लू कलर में, आ गया ब्लू कलर में, है ना पूरा टेक्स्ट ब्लू कलर में। यही अगर मैं कुछ और कलर देना चाहूँगा इसकी जगह तो मैं कुछ और कलर भी दे सकता हूँ, जैसे मैंने ब्लू की जगह मैं देना चाहूंगा इसको रेड कलर देता हूँ, ये RED रेड कलर मैंने इसको दे दिया। मैं इसको जाऊंगा वापस, वापस रन कराऊंगा और ये आ गया रेड कलर में, पूरा टेक्स्ट देखिए दोस्तों रेड कलर में आ गया। चलिए अगली चीज देखते हैं, अगला है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग क्या होता है? ऑडियो टैग से भाई लोग आप गाना चला सकते हो, इसके अंदर गाना गाना है, ठीक है। मेरे पास एक TT नाम की फाइल है डेस्कटॉप पर, वो मैं दिखा देता हूँ आपको, ये TT नाम की फाइल है डेस्कटॉप के अंदर, और ये गाना सुन लीजिए आप कौन सा है, मैं इसको चला के दिखाता हूँ आपको गाना कौन सा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये चलने में, ठीक है, पर ये चलेगा। देखिए ये गाना है आर्टिस्ट हिंदुआ कोड़ी मैनू कैंडी, ठीक है। इसको मैं बंद करता हूँ, वापस आते हैं और अब मैं आपको चला के दिखाता हूँ गाना, ठीक है। तो ये हमारे फाइल पे, मैं यहाँ गया, मैंने यहाँ लगाया टैग, टैग कौन था? ऑडियो टैग AUDIO ऑडियो टैग लगाया मैंने, और ऑडियो टैग के बाद मैंने लगाया ऑडियो कंट्रोल्स, ये मैंने यहाँ पे गया, नीचे आया, मैंने यहाँ पे लिखा, क्या लिखा मैंने यहाँ पे लिखा सोर्स, सोर्स SRC का मतलब सोर्स, सोर्स के अंदर भी एक और सोर्स आता है, और यहाँ पे मैंने लिखा TT.MP3 और मैंने यहाँ पे इसको बंद किया और नीचे आके मैंने ऑडियो टैग बंद कर दिया। इसको मैं सेव कराऊंगा, सेव करा के मैं इसको रन कराऊंगा और इसको मैं रिफ्रेश कराऊंगा तो देखिए आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, इतना बड़ा, ये इतना बड़ा नहीं आएगा एक्चुअली, ये आएगा छोटा सा, ये मैंने बड़ा कर रखा है इसलिए आपको बड़ा दिख रहा है, ये देखिए ये इतना छोटा सा आएगा, और इसको मैं अगर वापस बड़ा कर देता हूँ तो ये आपको बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा, और मैं इसको आपको प्ले करके दिखाता हूँ, देखिएगा। चलिए अब दोस्तों आप इसकी आवाज भी कम ज्यादा कर सकते हैं, मैं आपको करके दिखाता हूँ, देखिए देखिए ये म्यूट हो गया, वापस चालू हो गया, ये आवाज कम हो गई, ये आवाज ज्यादा हो गई ना, चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हुए हम बताते हैं आपको अगली चीज, अगली चीज क्या है, मार्क यू टैग। दोस्तों बहुत ही अच्छा टैग है,
मेरा फेवरेट टैग है, मार्कअप टैग इज यूज टू स्क्रॉल एनी टेक्स्ट इमेज और एनी ऑब्जेक्ट इनसाइड द वेब पेज। वी कैन ऑल्सो से दिस टैग वर्क्स एज अ स्लाइडर। मार्कअप टैग क्या होता है, अगर ये टैग किसी भी इमेज के या टेक्स्ट के आगे पीछे लगा दोगे ना आप, तो स्क्रॉल करने लग जाएगा, चलने लग जाएगा। ठीक है, इसके कुछ एट्रीब्यूट होते हैं, क्या होते हैं, हाइट। हाइट क्या होता है, वो मार्कअप टेक्स्ट की हाइट को कंट्रोल करता है। बीजी कलर, बीजी कलर क्या होता है, बीजी कलर सेम वही, लेकिन ये केवल मार्कअप टैग के अंदर अगर लग जाएगा तो मार्कअप टैग के पीछे का जो भी कलर है वो चेंज कर देगा। डायरेक्शन, सेट द डायरेक्शन ऑफ मार्कअप टैग, हमको लेफ्ट टू राइट जाना है या राइट टू लेफ्ट जाना है, वो होता है। बिहेवियर, बिहेवियर क्या होता है, सेट द बिहेवियर ऑफ मार्कअप टेक्स्ट, कैसा चलना है, स्लाइड में चलना है, किसी और तरीके से चलना है, वो चीज। स्क्रॉल अमाउंट, स्पीड ऑफ स्क्रॉलिंग टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्क्रॉल अमाउंट से हम तय कर सकते हैं कि कितनी स्पीड से उसको आना जाना है। लूप, लूप का मतलब ये होता है कितने टाइम हमको उस चीज को चलाना है। मैं आपको करके बताता हूँ, सबसे पहले मैं आपको करके बताता हूँ बीजी कलर। ठीक है, चलिए बीजी कलर से चालू करते हैं। मैं आया मेरी फाइल में, मैंने यहाँ पे अनुराग के ऊपर लगाता हूँ मैं मार्क्यू टैग, ये आया मैं यहाँ पे, मैंने लगा दिया एम ए आई। चलिए आपको शुरू से बता देता हूँ, मैं एक और चीज ले लेता हूँ मैं कुछ भी, यहाँ पे आया मैंने लगाया एम ए आर क्यू यू डबल ई मार्क्यू टैग, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ क्यू यू ए एन टी यू एम क्वांटम डी बी आई टी सोल्यूशन। ठीक है, और ये मैंने मार्क्यू टैग बंद कर दिया। सिंपल मार्क्यू टैग पहले हम देखेंगे, इसको मैंने सेव कराया और मैं इसको अगर रन कराता हूँ तो क्या होता है, पहले तो देखिए अभी क्वांटम डी बी आई टी सोल्यूशन कहीं नहीं आ रहा है। मैं इसको कराता हूँ तो ये देखिए क्वांटम डी बी आई टी सोल्यूशन आने लगा और ये जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये इधर पूरा चला गया और इधर से वापस निकल गया। अब मुझे ये चाहिए कि ये थोड़ी और स्पीड से निकले, अभी ये धीरे धीरे आ रहा है, तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पर जाऊँगा और एक एट्रीब्यूट लगा दूंगा इसका जो कि है स्क्रॉल अमाउंट, एस सी आर ओ एल एल स्क्रॉल ए एम ओ यू एन टी अमाउंट, और इसको मैंने दे दिया 25, माफ कीजिएगा, इसको मैंने दे दिया है 25। अब देखिए कितनी तेजी से निकलेगा, मैं गया मैंने इसको वापस रन करा, ये देखिए कितनी तेजी से जा रहा है, ये आप देख सकते हैं कितनी तेजी से जा रहा है ये। अब मुझे इसको धीमा करना है तो मैं इसको कम कर देता हूँ, जाके मैं इसको कर देता हूँ केवल 5, और ये देखिए ये आ गया, यहाँ मैंने इसको वापस रिफ्रेश किया, ये देखिए ये धीमा हो गया है ना दोस्तों। अब चलिए अगला बताता हूँ मैं आपको, इसमें लूप, लूप से हम ये कह सकते हैं कि इसको कितनी बार चलना है, तो मैं लूप लगाता हूँ यहाँ पे इक्वल टू लगाता हूँ और इसमें मैं देता हूँ 1। तो अब होगा क्या दोस्तों, ये एक बार चल के वो बंद हो जाएगा फिर नहीं आएगा। मैंने इसको सेव किया, इसको मैं यहाँ पे आता हूँ रन कराता हूँ इसको फाइल को, ये देखिए ये आ रहा है, अब ये एक बार आके चला जाएगा और बंद हो जाएगा केवल, ये देखिए नहीं आया ना ये दूसरी बार। बस यही चीजें थी मुझे जो आपको बतानी थी, कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टैग्स हैं, मजा आएगा इनको पढ़ने में। मैं चाहता हूँ कि हाइट, बीजी कलर और बिहेवियर आप खुद करके देखें, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा, सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है, मैं बताऊंगा आपको जरूर। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या है, आगे तो कुछ भी नहीं है। अरे आज का वीडियो तो खत्म हो गया, तो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।